हाय एवरीवन, तो आज हैश क्लिनिक पे हमारे साथ एक क्लाइंट मौजूद हैं, मिस्टर राशिद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मिस्टर राशिद हमारे पास वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा रहे हैं। आज से कोई 2 महीने पहले ये अपनी स्किन की डार्कनेस, डलनेस और स्किन की बुरी कंडीशन की वजह से हमारे पास आए थे। डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद डॉक्टर ने इनको वाइटनिंग इंजेक्शन रिकमेंड किए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन वाइटनिंग इंजेक्शन के अंदर क्या इंग्रीडियंट्स चलते हैं। हम इसके अंदर विटामिन B12, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, स्टेम सेल्स और कॉजिक एसिड जैसे बेशुमार मिनरल्स को ऐड करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम नॉर्मल स्लाइन में ऐड कर देते हैं और IV के थ्रू पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन ना सिर्फ आपकी स्किन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इसमें मौजूद मल्टी विटामिन और मिनरल्स आपके इम्यून सिस्टम को और बूस्टअप करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेशन में इनकी स्किन की कंडीशन कुछ ऐसी थी और आज इनका 10th सेशन है। 10 सेशन के अंदर इनको अपनी स्किन के कलर में बहुत वाज़े फ़र्क महसूस हुआ है और इसके साथ साथ इनका इम्यून सिस्टम और भी बूस्टअप हो गया है। इनके फेस के साथ साथ पूरी बॉडी पर भी ग्लो आ गया है। अगर अब हम इनके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एक्चुअली इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें मौजूद मिनरल्स और वाइटमिन वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और हम इसका खाने में भी इनटेक करते हैं, मगर हम जो खाने में इनटेक करते हैं बहुत कम क्वान्टिटी में होता है। तो वाइटनिंग इंजेक्शन के थ्रू हम इनकी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं और अपनी स्किन को नेचुरली ब्राइट बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्किन को मोर वाइटर, ब्राइटर और इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करना चाहते हैं तो हैश क्लिनिक ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।